क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? कैमरा सही कर रहे हैं? अच्छा, क्या हुआ? कैमरा तो सही था ये वाला। अच्छा, पान खा रहे हैं ना, इसलिए बोलेंगे नहीं ना। वालेकुम बरकातु, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल और शादो आबाद रखे। हैप्पी संडे सबको। और आज जो भी रूटीन होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। अभी नाश्ता किया है और मैं निकल रही हूँ। मुझे मछली चाहिए थी तो मैंने कहा मैं ज़रा मछली वगैरह ले आऊँ। और कल थोड़ा कम गोश्त लिया था ज़रा, तो मेरा जो रेगुलर रूटीन का जो 15 दिन का गोश्त होता है वो पूरा नहीं आया है। तो फिर मैंने कहा वो भी और चिकन भी और मुझे थोड़ा चाहिए, तो मैं अभी निकल रही हूँ और बाज़ार में आपसे मिल सकती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और मेरे साथ बने रहे हैं। संडे था, काम काज करके फिर मैं घर का निकल गई राशन लेने के लिए। और आसिफ साहब कुछ घर में काम कर रहे थे, कोई बैटरी वगैरह सही कर रहे थे और कुछ कैमरा ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा आप काम करें और तो मैं बच्चों को लेके निकल जाती हूँ। फिर मैं निकल गई और फिर सबको भूख भी लगी थी तो मैंने इन लोगों को इनको दाल चावल खाना था, तो हुसैनाबाद के मशहूर दाल चावल खिलाए मैंने इन सबको। और फिर मैंने ग्रॉसरी जो मेरी बाकी बची थी थोड़ी बहुत कल, वो मैंने फिर ली। और यहाँ हम खा चुके थे सारा खाना और फिर मीठा खाया थोड़ा, कुछ सब्जियाँ ली। और हुसैनाबाद की मार्केट जो है करीमाबाद की, वो माशाल्लाह मशहूर है, तो मैं महीने में एक बार तो मेरा वहाँ चक्कर ज़रूर लगता है और मुझे जाना ही पड़ता है कुछ मसालों के लिए। और फिर शाम को वापसी पर चाय पी। हाँ जी, तो सामान सारी चीज़ें और सब लेके आ गई हूँ मैं घर। और अब ऐसे सब चीज़ों की जगह कर रहे हैं क्योंकि मैं थक जाती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर आसिफ साहब के ऊपर सब छोड़ देती हूँ। और अब जगह देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, करेंगे खुद ही सब। और ये इत्तेफाक से सब्जियाँ और ये भी सब लेके आई हूँ। अब कल कुछ अच्छा सा बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी तो मैं सब चीज़ें जगह पे रखूँगी, थोड़ी सी फ्रेश होंगी और करूँगी खाने की तैयारी। और एक बहुत अच्छी सी भी चीज़ लाई हूँ तो कल वो इंशाल्लाह बनाते हैं। तो बस मैं अपना सामान सब ठिकाने रखती हूँ, जगह पे रखती हूँ। हो गया पूरे महीने का सामान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फिर थोड़ा बहुत कम होगा वो फिर रोज़मर्रा लेते रहेंगे इंशाल्लाह। और कुछ थोड़ी बहुत कल के लिए तैयारी भी कर लेती हूँ। बस अब मैं इन सब चीज़ों को जगह पे रखती हूँ। घर आकर फिर मैंने चिकन धोई और चिकन धो के उबालने के लिए रख दी। और मैंने सोचा कि फिर थोड़ा टाइम होगा तो फिर मैं इशा की नमाज़ पढ़ के इसको भी श्रेड कर लूँगी। तो वो भी कल का दिन भी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया और वीकेंड कंप्लीट हुआ। और कल फिर वही रूटीन इंशाल्लाह, पीर का दिन होगा और आपके साथ रहेंगे। और आज का दिन भी बहुत अच्छा और मसरूफ़ गुजर गया और जो चीज़ें बाकी थी वो भी आज मैंने कंप्लीट कर ली। और अब अल्हम्दुलिल्लाह यूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई चीज़ बाकी है, बस सब चीज़ें जगह पर रखने की पड़ी सबको। मेरे ख्याल में ख़वातीन को होता होगा, अब रखनी है जगह पर और सेटिंग करनी है और बस ये सब। मेरा भी चलेगा कल तक इंशाल्लाह। कुछ थोड़ी बहुत आके तैयारी भी की मैंने कल की भी, कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह कल भी। और इसकी भी थोड़ी बहुत मुझे तैयारी करनी थी। थोड़ा चिकन मैंने उबालने के लिए अभी रख दिया है। मैंने कहा थोड़ा नमाज पढ़ के फारिग होती हूँ फिर थोड़ा श्रेड करके थोड़ी बहुत तैयारी करके रख देती हूँ, तो वो करूँगी थोड़ा बहुत। और अब अपना व्लॉग भी यहीं एंड करूँगी इंशाल्लाह। और दुआओं में बहुत याद रखिएगा और सब अपना अपना प्यारा प्यारा सा वीकेंड मना रहे होंगे। और फिर कल सब बच्चों के स्कूल वगैरह भी होंगी, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर और एक और नए और प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।